नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोविड-19 के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव व संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने जिलों में जनता के बीच कोरोना प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों की सफाई या इत्यादि को सख्ती से लागू करवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा सभी स्कूल, उद्योग, व्यवसाय परिसर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि में भी भीड़ होने की संभावना है, वहां पर सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने वालों का चालान करने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य, नगर निगम और निकाय समितियों जैसी एजेंसियों द्वारा सख्त कदम उठाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विदेश से आने वाले यात्रियों से स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा रोजाना टेलीफोन पर बातचीत की जाए और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की जाए, ताकि यदि कोई लक्षण नजर आते हैं तो उनका उपचार शुरू किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलिनेस वाले मरीजों को भी कोविड टेस्टिंग की जाए, ताकि संक्रमण से बचने के लिए उसे रोका जा सके। अधिकारियों ने बताया कि कोविड के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त जरूरी दवाइयां भी हैं और अब तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा 79 PSA ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में स्थापित किए जा चुके हैं। 22 जिलों में RT-PCR लैब भी स्थापित की जा रही हैं। इससे कुछ जिलों में ये लैब स्वचालित भी हैं।